उधर गाजियाबाद में पानी को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है। गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी भी बताया जा रहा है। बाइक से जा रहे थे बाप बेटे पर हुई फायरिंग, दो फरीक का तनाजा जानलेवा साबित हुआ। यहां पर तनाजा सिंचाई के पानी को लेकर बढ़ा, बाइक सवार तीन लोगों ने गोली मारी। सिंचाई के पानी के बंटवारे को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। बाग की रखवाली करने वाले लोगों से ये तनाजा हुआ था। कत्ल के बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मुलजमीन की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। बीती देर रात एक बाग से दूसरे बाग की तरफ के रास्ते पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जब रात्रि में ये करीब 10 बजे के आसपास के तीनों लोग एक बाइक से इधर आ रहे थे, तब उसके पश्चात इनके ऊपर गोलियां चली हैं और जिससे ये घटना कारित हुई है। इस घटना में जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके आधार पर हिंदौड़ा के रहने वाले दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही जितनी भी अन्य विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। किस हथियार से उन पर हमला हुआ? गोली मारी, 5-5, 6-6 गोली लगी जी। तो अभी हालत क्या दिया? बस दो मर गए, एक को जवाब में रखा अस्पताल में, तीन जी। तो अभी आप जो यहाँ मौजूद हैं तो सर, पुलिस से क्या बात चला? इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने रात से, अब लोग कोई भी कुछ वो नहीं करा। इंसाफ चाहते हैं हम तो।